पैसे लेके एकदम आगे बढ़ा और आके बोला मेरी नहीं होगी, मैं किसी की नहीं होंगी। तो बोलते रहे, मेरा एकदम बचपन का दिमाग नहीं मालूम था कि ऐसे क्या बोल रहा है वो, ये क्या कह रहा है कि मेरी नहीं होगी, मैं होने नहीं दूंगा, और एकदम मेरे चेहरे पर डाल। अटैक होने के बाद लाइफ बहुत ही चेंजिंग हो गई थी, क्योंकि अटैक कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, एकदम लड़कियों की लाइफ बिल्कुल चेंज कर देता है। और उस दिन जब अटैक हुआ था तो उस दिन रविवार था, कोई हॉस्पिटल ओपन नहीं थे और बस इमरजेंसी थी रेडी, तो वहाँ पर मुझे ले आ गया। तो वहाँ पर भी डॉक्टर बहुत लापरवाही कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। मैं एकदम चेहरे से और हाथ से बहुत उलझी हुई थी और एकदम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पर मैं 70 इयर्स की थी। बहुत छोटी सी उम्र में मेरे ऊपर अटैक हुआ था। 2019 में मैं सिरोज से जुड़ी, तो मैंने यहाँ रूपा जी, रुकैया जी, मधु जी, बहुत सर्वाइवर देखी यहाँ पर, बहुत सारी दीदियाँ देखी, तो मैंने सोचा ये तो मेरा छोटा सा गाँव है और ये मुझसे ज़्यादा दर्द हो रहे, यहाँ पर सब लोग अपने आगे लड़ रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती। पे लड़के आए और उन्होंने मेरे फेस पे एसिड फेंका पर वो चले गए। मैंने हेल्प मांगा किसी से बट मेरा किसी ने हेल्प नहीं किया, और जब मेरे ऊपर एसिड डाला था तो मेरे अंदर को सिर्फ डार्क कलर ही दिखाई दे रहा था। अटैक हो गया था। अटैक होने के बाद काफ़ी फेस किया मैंने इस समाज को, क्योंकि ज़्यादातर मायने ना फेस रखता है। अगर मैं जॉब के लिए जाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को घर से जो जमीन जा जाती और जो भी उनकी दुकान थी उससे अलग कर दिया गया था, तो मैंने सोचा कि मुझे भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। जब मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं उनका हाथ तो बटा सकती हूँ ना, तो मैं जॉब के लिए जाती थी तो मुझे कोई जॉब नहीं देता था, तो तुरंत मना कर दिया करते थे कि नहीं, आपका तो फेस ख़राब है, आप अगर आप काली भी होती तो आपको जॉब दे दी जाती। हमेशा लड़कियों की गलती क्यों बताई जाती है? लड़की की भी तो गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि लड़के ही एक से होते हैं कि लड़के ही अटैक करते हैं, लड़कियों में कमी होती है। अगर लड़कों में कमी होती है आज सिरोज नहीं खोला होता। कहते हैं ना, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, यही है ना, सुख दुख आने आने की छाया आती है। जी। आज दुख है तो आगे सुख मिलेगा, ये तो जोड़ा है। Rachita, I'm the CEO and co-founder of Girl Powered Job, and today is a very special day in my life. And when I say I am proud of the journey that I have been on and we all have been together as Girl Powered Job, I think a lot of that is proven today. This is apparently my fourth visit to the Shiro's Hangout Cafe, and it has been a part of my life for past 10 years. But how beautiful it is to one day get up and come to a cafe that is run for a cause, that is changing life, that is providing employment to perhaps people who have been quoted as scary, who have been quoted and who have been discriminated against for so long. So this is our appeal as Girl Power Talk, as Shiro's, for you to come forward and support this beautiful cause, because it is changing lives and it is empowering, and to be a part of such a beautiful change is something that gives you purpose, that gives you never-ending happiness, and we have been experiencing that. Hope you experience that soon, and you can visit Shiro's website. That's in the description. You'll find a lot of ways how you can support them, be it through visiting the cafe, donations, promotions,
or just giving them a shout out. So I hope you find something that you can do for them, and in return you'll get all the love and all the well wishes and friends and amazing cheerful happy friends on this journey.